मलिक साहब ने कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम इत्मीनान रखो। और हाँ मेहर, क्या हुआ चाची, आप परेशान लग रही है? मेहर, वो तुम्हारी चचा ने ना चाची, कहिए ना आप, क्या नहीं बता रही मुझे चाची, क्या हुआ है तुम्हारे चचा? रुक जाओ सईदा, तुम्हारी चची से तो कोई बात होनी नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। चचा, पहले चची आई है, अब आप, क्या बात है? मेरी एक जानने वाली डॉक्टर हैं, डॉक्टर हलीमा, उन्हें मैंने बुलाया तुम्हारे चेकअप के लिए। बहुत फिक्रमंद रहता हूँ मैं तुम्हारी सेहत के बारे में, अपनी फिक्र करती नहीं तुम। वो तुम्हारा चेकअप करेंगी, मेरी तसल्ली हो जाएगी। उनके क्लिनिक तुम्हें ले जाना था, लेकिन बेहतर समझा कि तुम घर पे रहो और उन्हें यहीं बुला लिया। चचा, लेकिन मैं चाची के साथ डॉक्टर के पास गई थी। हाँ वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेहर, अपनी चची के बारे में तो तुम जानती हो। इसको बात करने का सलीका तो आता नहीं, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो मुनासिब मैंने यही समझा कि भरोसे की डॉक्टर हैं, सारे मामलात मैं खुद कंट्रोल में रखूं और मैं खुद देखूं। उसके बाद तुम चाहो तो अपनी डॉक्टर को दिखा सकती हो। मलिक साहब ने कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम इत्मीनान रखो। और हाँ मेहर, जब बुलाएं तो आ जाना। Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.